ने खोए हुए है ये। अरे यार तो सबसे ज्यादा हमारे ये दोस्त है भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू द नेक्स्ट एग्जाम रिव्यू सेशन। सो गाइस, हमारा CIE सेकंड एग्जाम है और बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। अभी बिल्कुल पढ़कर अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। अभी 8 AM टाइम हो रहा है और ये जस्ट इस तरीके से मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर अभी पड़ी रहा था, अब जस्ट मैं जा रहा हूँ नहाने। गाइस, ये मेरा रूम है, पीछे ये जो हमारा है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का ये लगा हुआ है और ये कुछ चार्ट पेपर हैं जो कि हमने प्रेजेंट किए थे के लिए। तो गाइस, रेडी वगैरह होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन स्टडी करने के लिए बैठ चुके हैं और टाइम हो रहा है हमारा 8:30 AM और लेकिन हमारा स्टार्ट हो चुका है और जो कि हम कॉलेजी के क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हैं और मैं सबसे मिलवाता हूँ आपको। ये सब एक ही ड्रेस में है लगभग, और ये हमारा को थोड़ा साइलेंट बनता है पढ़ने में, थोड़ा सा बस पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर रहा है, अच्छे से पढ़ो है ना, टॉप करना है इस बार, ठीक है ना। किस कौन सा पेपर अच्छा, सब्जेक्ट नाम बता दो। फार्माकोलॉजी। सब्जेक्ट नेम फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है कौन सा? फार्माकोलॉजी कैसे तुम पढ़ ही रहे हो? सब्जेक्ट हमारा एडवांस फार्माकोलॉजी है। एडवांस फार्माकोलॉजी, यस। तुम बताओ भाई। भाई वो एडवांस फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी, और आपका सब्जेक्ट टीचर डॉक्टर दीपक चंदोसी सर। सर तैयारी हो गई, सारी प्रिपरेशन हो गई पूरा, टॉप कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। हाँ भाई, मोहन भाई आज एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड का पेपर है और मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, उनके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ भाई, तो पंकज भाई क्या कर रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ। हैं? भोजपुरी सॉन्ग। बताओ आप यार, मुझे पता नहीं कभी इंटरेस्ट आए इन, कभी कुछ क्या क्या लाते हुए फिरते रहते हो यार तुम। सभी को नमस्कार, आज है सुपर एडवांस फार्माकोलॉजी का पेपर। सुपर एडवांस, ओ माय गॉड, सुपर एडवांस इसलिए क्योंकि हमें आते नहीं है। हाँ भाई मोहन, लास्ट तक नोट्स बन रहे हैं। अच्छा, अरे ये देखो गाइस, ये अभी तक नोट्स ही बना रहे हैं। आई थिंक ये वायरस का है ना। yeah. ओ देखो, ये गाइस सारे लोग आ चुके हैं एग्जाम देने के बाद, कुछ लोग पानी पी रहे हैं और ये भी आ चुका है, इधर केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी आ चुके हैं सारे, आपस में डिस्कशन चल रहा है सब लोगों का, और कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं इधर साइड। ये हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, देखो। सब्जेक्ट कौन सा था आज? एनालिसिस। पूरा नाम? कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ। और सब्जेक्ट टीचर? रुचि मैम। यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्कशन चल रहा है आपस में, नाम क्या था सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट का नाम मुझसे नहीं जाने वाली। रजा सर का पेपर अच्छा हुआ, मार्क्स आए ना, पेपर अच्छा था, दिमाग यूज कर रहे। हाँ तो ये मत सोचना कि रजा सर आपका ब्लॉग देखेंगे और आपको मार्क्स अच्छे देंगे, लेकिन ये लोग पता नहीं आपस में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे यार तू तो रहेगी, आजा आजा जल्दी, इधर को तू भी बोल ले कुछ। हाँ सरफराज, कैसा हुआ एग्जाम भाई? भाई बहुत बहुत ही मुबारक, तुझे भी बहुत बहुत। यार ठीक है यार, पता नहीं किस बार में अच्छा चला गया यार। अच्छा चला गया, इधर ओए। कैसा हुआ पेपर? मछली बनाना था, मछली बनाना था, हमारे पेपर हमने मछली बनाया, मुझे इसने सिखाया, मुझे इसने सिखाया और वही आया एग्जाम। सही है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप लोगों का कैसा हुआ एग्जाम? गुड। तो कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। अच्छा सेकंड एग्जाम जो है वो गणित केमिस्ट्री का है। नकल नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। सोमिया क्या करना चाहिए? रटो।
कुछ स्टूडेंट रो रहे हैं जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। कशिश ऐसे रो रही है, मैं बता दूँ इसका हाल। हाँ, क्यों रो रही है? अभी इससे पहले जो एक एग्जाम था हम लोगों का, हाँ, उसमें क्वेश्चन ऊपर में अटेम्प्ट 82 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखे डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, बस उस दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, एक क्वेश्चन बस समझ गए कि दो बला थी। एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया। ओह माय गॉड, मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था यार। सोच इतनी इजी है कि जीन आया था और वो ऐसा, अब सोच रही हूँ मेरा सर फट गया चाहिए था। बकवास आदमी पता नहीं आपका रूम भी छोड़ गया। कोई बात नहीं यार, आप पढ़ो, रजा सर का एग्जाम है ना, सर पास कर देना। सर ये हाथ जोड़ रही है, पास कर देना इसे। देखी तो देख, सुबह क्या हुआ था ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो फैजान का बोलना था कि हिस्ट्री कहाँ है, पूछेंगे। मैं उस टाइम से आंसर नहीं हुआ, सर कुछ भी डाल सकते, सर के दिमाग का तुझे पता नहीं, हिस्ट्री तो आएगी नहीं। जब मैंने क्वेश्चन पेपर अभी पकड़ा ही, सबसे पहला क्वेश्चन ही हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर। मैं खुद यार। ओ, यहाँ पर सारे लोग एग्जाम सेंटर में पहले ही आ चुके हैं, प्रिपरेशन हो गई सारी। हाँ भाई सब हो गया, बस रजा सर का कर लिया पोर्शन नहीं। हाँ बस चल रहा है। कुछ बोल भाई, कुछ तो बोल यार। तैयारी हो गई सारी? हो गई, बहुत हो गई, सब कुछ पढ़ दिया? सब कुछ पढ़ लिया। कुछ नहीं छोड़ा, बस क्वेश्चन पेपर आने की देरी है और चालू। क्या कर रही है बता पहले। तू कर क्या रही थी? पढ़ रही है। अच्छा देख रहा हूँ कैसे पढ़ रही है। ब्रो क्यों टेंशन में है यार, तू ये बता। टेंशन नहीं है, मुझे नींद लग रहा है। सब नींद में ही है। तैयारी हो गई? कौन सा पेपर है? अमन सर का हो गई वाकई में? अच्छी तैयारी हो गई? नहीं तैयारी तो अच्छी होती है, बस पेपर अच्छा नहीं होता। भाई मेरा यार कदम क्या हुआ तुझे? क्यों ऐसा? जरा सा भी नहीं करता, तू सा भी नहीं करता, इस कदर इस पढ़ाई ने मेरे दिमाग पे कब्जा कर दिया कि साला बुला नहीं करता, खाली भी नहीं करता। वाह वाह, तेरी तैयारी हो गई नहीं है ब्रो? थैंक यू सरप्राइज भाई यार। है पता नहीं, अब पेपर बाद बताऊं क्या था क्या यार। अच्छा पेपर और देख यहां पे रेडियम है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। कशिश पहले वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा खुश थी, अभी इसका तो ऐसा पूछो कैसा नहीं यार, क्या कशिश दे दिया यार, क्या कशिश एग्जाम कैसा हुआ बस एक बार बता दे। दगा दे दिया सर ने। बोल रही है सर ने दगा दे दिया। पर ऐसे देखा ना उस टाइम, मैंने सोचा शुरू करूं कि रुक जाऊं, पर ऐसे उमेश सर का क्वेश्चन देखा, मैंने सोचा ये भी खुशी मनाती हूं, बाद में देखा वो भी पिछली बार का है। सर के कहने का मतलब कि थिंकिंग पावर इंक्रीज करो तुम लोग, सोच रटने वाला पढ़ाई मत करो। बता दो अमीषा, अरे चुप कर, अमीषा क्या लगातार लिखते जा रही है? वो हम लोग का दो पेज में क्वेश्चन खत्म हुआ, ये दोबारा सीट मांग रही है अमीषा। ऐसा नहीं, सीटें मांगी जा रही है यहाँ पर, उनका वो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर जो रजा सर ने दिया है बहुत ज्यादा टफ था। सारे स्टूडेंट सब पागल हो गए जब क्वेश्चन पेपर देखा था, और बट क्वेश्चन जो है इसी टाइप के होने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कितना लिख कर आई है तू? कितना लिख कर आई बताना। अच्छा एग्जाम गया ये बताओ, पता नहीं यार रजा सर का कैसा हुआ? क्यों नहीं डाले? बहुत अच्छा था पेपर, सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाले थे, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वैसे क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला वगैरह सब मैं तो प्रैक्टिस करा था, एक एक प्रॉब्लम 10 बार सॉल्व करी थी सर। क्या कैसा हुआ? अमेरिकन करके आए थे, चक्कर में थ्योरी नहीं पड़ी। ओह माय गॉड, हम तो पूरा कैलकुलेशन रट रहे थे तब से। हाँ उसका वो प्रोसेस कि पहले डी यू निकालना है, उसके बाद डी एस आई एग्जाम आपका एकदम भाई सॉलिड सॉलिड। अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। सब्जेक्ट कौन सा था?
सब्जेक्ट टॉक्सिकोलॉजी था भाई, टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट था, पूरा सब्जेक्ट बता भाई, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड पार्ट टू, पार्ट टू भी लगा दिया। नाम ही कितना हार्ड, एग्जाम नहीं हार्ड होगा। अरे मैंने तो पहले लिखा ही नहीं था, जब क्वेश्चन पेपर आया ना तब जाके मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा पूरा। तो जा रहे हैं वो अपने अपने हॉस्टल, एग्जाम हो चुका है, अब कल के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। कैसा हुआ ये पसंद ये? माँ बहन हो गई एग्जाम की, माँ बहन एक हो गई। देखो आज के एग्जाम का ओपनिंग ऐसा रहा कि नहीं चला कि क्या आया है क्या, मतलब पूरे क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज था। मैडम ने पूरे क्वेश्चन को वन वर्ड टाइम और पजल दिया था जो की बहुत अच्छी जो की बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमारा माइंड थोड़ा इतना स्ट्रॉन्गली नहीं था तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। और मैम से अनुरोध है कि नंबर देने की, और मैम से अनुरोध है हाथों का छाता लेके कि नंबर हमारे ना काटे जाए, कम से कम 5-6 नंबर तो मिल जाए। ओके गाइस, आज हम नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए आ चुके हैं, और आकर देखा तो ये पहले से ही बंदा यहाँ पर मेहनत कर रहा है जिसका नाम है निकी भाई, केमिस्ट्री का बंदा है, बहुत मेहनत करता है, बट इसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा भाई, कैसे बात कर रहे हो? बस क्या करें, नहीं मिलता है। मिलता है कैसे, कैसे नहीं मिलता है? मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा सकते हो। वालेकुम अस्सलाम भाई, टेंशन वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं है भाई, सारी तैयारी खुद से लिखना है, वहाँ जाके भूल जाना है। गाइज यहाँ पर लेट कर भी पढ़ाई होती है, एग्जाम का प्रेशर इतना है कि लेट कर पढ़ाई की जा रही है, और इतने खोए हुए हैं ये। ये हमारा लास्ट सीआईए है, कुछ बोलना चाहोगे? तो सीआईए तो लास्ट हो रहा है ना हमारे, ये कुछ बोलना चाहेगा? सौम्य कुछ बोलना चाहोगी? तो टॉप करेगी इस बार दोबारा से। एग्जाम कौन सा आज? आज है फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री, सब कुछ प्रिपरेशन हो गई? ठीक है बढ़िया, प्रिपरेशन ऑल हैव डन। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। दिस इज सानू। ये मेरे यार, वाह शाबाश, क्या कर रहा है भाई? पढ़ रहा हूँ भाई। भाई ये क्या है भाई, लास्ट एग्जाम में ये क्या है? ये भी रखिए, भी यहाँ यहाँ पे रख। तो इसमें इतना सारा पढ़ लिया सारा कुछ? सब सब पढ़ लिया, बस पास हो जाए। कौन सा सब्जेक्ट नेम? प्रोसेस केमिस्ट्री। ओह प्रोसेस का टीचर, थ्री टीचर, दीपक सर, ओह सावन सर का भी है इसमें? सारी प्रिपरेशन हो गई उनके सब्जेक्ट की? यस आई होप सो, होप सो। इसका मतलब नहीं हुई है। ऑल हैव डन, डन एवरीथिंग, एवरीथिंग is very nice handwriting, perfect handwriting. So guys, ये लड़की पता नहीं क्या ही करेगी अपनी लाइफ में। सब लोग अपने अपनी स्टडी में बिजी हैं और मैं अपने व्लॉग में बिजी हूँ। पढ़ के दिखा, देखो राइटिंग, ये देखो गाइज इसकी राइटिंग, ये टूथ बनाया है, ये देखो गाइज ये इसका टीथ है। तेरा तो अच्छा हुआ है ना एग्जाम? गाइस हम लोगों की यूनिटी भी देख लो, जो कि इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं लोग, सारे B5 हॉस्टल वाले भी तारीफ करते हैं कि हम लोगों में बहुत ज्यादा यूनिटी है। कुछ हमारे कश्ती के यूनिटी का एक सुराग वो जा रहा है। अरे ये ब्लर हो गया, ये तो ब्लर ही हो गया। सून एज पॉसिबल यार, एज सून एज पॉसिबल। नीरज हम लोग को ये कुछ स्टूडेंट आगे जा रहे हैं कॉलेजी वाले, देख सकते हो गाइज आप लोग, एग्जाम खत्म हो चुके हैं और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, और यहाँ पर सभी लोग हमारे एक सब्जेक्ट में नंबर भी बता दिए, ज्यादा नंबर मेरे हैं 18 नंबर है, और 19 तो अपर्णा के भी आए हैं।
हाँ भाई झूठ बोल रहा है तू। यूपीएससी नीरज का चल रहा है 11:30 बजे मैं सिलेबस बताओ तो कोई परेशान नहीं करेगा साहब भी बिल्कुल नहीं करेगा। ये कह रहा कि तू जा उठलाओगे एक हाथ से सबसे ज्यादा। एग्जाम खत्म होने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी गई है। तू क्या कर रही है बताते बस पढ़ रही है इधर ज़ूम मारो कैमरा पढ़ रही है कैमरा क्यों मुस्कुरा रहा है भाई ये सब ग्राफ वाला करके आया मैं नहीं करके आया इसलिए ग्राफ को बताता नहीं जैसे ही मैं देखी तो मैं बोली कॉपी दो ग्राफ मांग रहा था ग्राफ मांग रहा है अब सबको ग्राफ चाहिए ग्राफ दे दे मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे तो मैंने सोचा सबको दे रही हूँ तो मैं भी बना ही लेती हूँ ग्राफ में। हाँ अन्याय हुआ है मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक क्रीम बता रहा है कोल्ड ड्रिंक क्रीम ये हमारे दोस्त और थार आ रही है दोस्तों की ये यहाँ का इस तरीके का कुछ फ्रंट है देख सकते हो और ये मनोज भाई आ रहे हैं। एंट्री करनी नहीं चाहिए थी एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी भाई बरकरार रखना चाहिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम खत्म हो गए एंजॉय करो आज रात पार्टी करते हैं। चलो ठीक है ना बिरयानी पार्टी आज बिरयानी पार्टी करेंगे फैजान कोई बात नहीं घबराना नहीं है बहुत बढ़िया घबराना नहीं है भाई सही है भाई विशाल घबराना नहीं है बिल्कुल ठीक है घबराना नहीं है क्यों घबराएंगे भाई मेरा तो अच्छा गया 18 नंबर आ जाएगा बस 20 में से 18 नंबर बाय 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 बाय।